काफ़ी दिनों बाद कुरला में आए हैं। यहाँ पर मेरे को 20-25 दिन हो गए, उसके बाद भी कुरला में आज पहुँचा। कुछ इस तरीके के ये शर्ट हैं जो लोग खरीद रहे हैं, कैसे हैं इनका प्राइस देखते हैं और किस तरीके से मतलब अरे वो वीडियो में आ गए तो सोचा स्ट्रीट से खरीदेंगे, वो छोड़कर ही भाग गए। वीडियो देखेंगे तो कि यहाँ से खरीदते हैं यार, बड़े बड़े लोग खरीदते हैं, अच्छे अच्छे पैसे वाले लोग स्ट्रीट से यहीं से बहुत सारा सामान खरीदते हैं। और जैसा हम यहाँ से चल रहे हैं आगे, ये देखो इस तरीके की वॉचेज, ये मार्केट का नज़ारा है जस्ट। और यहाँ से हम चल रहे हैं आगे, आगे मैं यहाँ पर लोगों का जीवन आपको देखूँगा, लोगों का रहन सहन कैसा है। स्टेशन के बाहर का ये नज़ारा और किस तरीके से क्राउड है यहाँ पर, मतलब लोगों का जीवन है या स्लम एरिया है ना यहाँ का, मैं दिखाऊंगा, बहुत ख़तरनाक ज़िंदगी है यार लोगों की। ये देखो कुरला के स्टेशन के आसपास वेस्ट की तरफ बहुत भीड़ रहती है कुरला में। बहुत बहुत ज़्यादा रश रहता है, बहुत ज़्यादा अद्भुत। कुरला का मार्केट, वेस्ट का मार्केट देख रहे हैं आप पूरा, किस तरीके से लोग मतलब यहाँ से स्टेशन से बाहर निकलते ही। अब चलते हैं यहाँ से जस्ट आगे, और एक कुछ ऐसा स्टेचू बना हुआ है, इस स्टेचू के पास में से मैं जा रहा हूँ। ये देखो ये ब्लैक ब्लैक पत्थर का जो है स्टेचू, यहाँ से चल रहे हैं आगे। और ये शर्ट है भैया, ये टांग रखी है ये बेचने के लिए, टांग रखी है। ये क्या करते हैं, कलर देकर धोकर कुछ ऐसा बना देते हैं और फिर इनको बेचने के लिए यहाँ पर टांग देते हैं। यहाँ चलते हैं यहाँ से आगे, ब्लॉगर हो जी जी, क्या यूट्यूब पे, यूट्यूब पे क्या नाम, नेशनल ट्रेवलर, नेशनल ट्रेवलर। ये यार मैन जो है, ओके भाई लोगों, थैंक यू थैंक यू। आगे चलेंगे यहाँ से आगे 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 आगे, जस्ट यहाँ से चलते हैं। बहुत सारे लोग जो है ना एक्टिव हैं, कैमरे को देखते हैं, मतलब कोई ना कोई अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। जस्ट यहाँ से हम चलेंगे आगे, जो बस डिपो है ना उसकी तरफ में जा रहे हैं। ये पूरी गाड़ियाँ हैं, बसें खड़ी हैं यहाँ पर, और यहाँ से मैं आगे लेकर चलता हूँ उस तरफ। मतलब लोगों का जो ख़तरनाक वाली लाइफ स्टाइल है ना वो हम देखेंगे। जस्ट यहाँ से चलते हैं आगे, ये पूरा मतलब कुरला का वेस्ट की तरफ से जब हम निकल रहे हैं तो ये बस डिपो एक तरीके से, यहाँ से ज़्यादातर जो भी बसें हैं ना जाने वाली यहीं से जाएंगी, मुंबई पब्लिक स्कूल कुरला। ये देखिए इस स्कूल के पास आ गया हूँ, यहाँ के बाहर ही मतलब इस स्कूल के बाहर ही यहाँ पर ये बस डिपो है, बसें लगती हैं ऑन रोड पर ही, अलग से नहीं बना हुआ है, रोड पर ही है ये। और यहीं से मतलब ये गाड़ियाँ बसें आपको मिल जाएंगी, जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये मुंबई पब्लिक स्कूल, और लोगों को कुछ इस तरीके से लाइन लगनी पड़ती है। देखो बसों के हालात दिखाता हूँ मैं यार, ये गांव की जो बस होती है ना वैसे हालात हैं। गांव की बसों में भी आजकल लोग है ना सवारी सीट टू सीट जाने लग गई, लेकिन इस बस में देखेंगे तो कितनी खचाखच भरी हुई है, लोग बस के अंदर भी खड़े हुए हैं। जस्ट यहाँ से हम चलते हैं आगे, और आगे ये गली है सलम एरिया की, जस्ट यहाँ से मैं आपको लेकर चलता हूँ आगे। ये ट्रैफिक पुलिस वाले तो खैर मिल ही जाएंगे, जगह जगह एक्टिव रहते हैं यहाँ पर। और यहाँ से हम चल रहे हैं आगे, ये कुरला बहुत रश वाला एरिया है और बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है यहाँ पर, और इसी क्राउड में ही हम चलेंगे जस्ट आगे। आगे कुरला के लोगों की ज़िंदगी लाइफ मैं देखने के लिए और दिखाने के लिए लाया हूँ आपको, इस तरफ से मैं जा सकता हूँ। ये बच्चों का कुछ तो गेम चल रहा है यार, खतरनाक चिल्ला रहे हैं जो भी बच्चे।